59 नंबर शीट में पॉइसीज़ फॉर्मूला में एक एक एक्सपेरिमेंट है, और पॉइसीज़ फॉर्मूला क्या देता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 8 पी आर 4 बाई ईटा एल। तो शुरू करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर मिनट 15 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम पर मिनट कीजिएगा, वॉल्यूम प्लस सेकेंड कैसे आएगा, 15 को 60 से डिवाइड करके, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड गिवन है। हेड ऑफ द लिक्विड, हेड का मतलब हाइट ऑफ द लिक्विड कितनी है, 30। तो 30 का मतलब है, आप यहां पर क्या यूज करोगे, प्रेशर के लिए एच रो जी का फॉर्मूला, प्रेशर से निकाल लोगे एच रो जी। लेकिन डेंसिटी, इसमें वाटर यूज नहीं हो रहा, इसमें कोई लिक्विड यूज हो रहा है जिसकी डेंसिटी 2.3 है, तो जब प्रेशर का फॉर्मूला यूज करोगे एच रो जी, उसमें डेंसिटी 1 ना पुट करना, उसमें 2.3 यूज करना, ठीक है। और आपको इसमें लेंथ पता है एल, डायमीटर पता है, तो रेडियस भी पता है और डेंसिटी भी पता है, और कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, तो लगा दो फॉर्मूला। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आपको पता है, प्रेशर आपको पता है एच रो जी, डेंसिटी आपको पता है 2.3, आर आपको पता है, एल आपको पता है, सॉल्व करके क्या आएगा, ईटा। तो ईटा निकाल लेना, आंसर आएगा जो कितना आ रहा है, 0.425 पॉइंट्स आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, ठीक है, यहाँ तक ये शीट्स में शेयर करूँगा आपके साथ गूगल ड्राइव पे। तो अगली बार इसका टेस्ट है, क्योंकि हर शीट में से एक एक क्वेश्चन आना है, तो देख के आना है आपको इसको, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज एस्केपिंग फ्रॉम अ सिस्टर्न बाय अ वे ऑफ अ हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लेंथ पता है, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, एंड 0.4 mm इन डायमीटर, तो डायमीटर है तो मैंने रेडियस ले लिया। एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ फ्री वाटर, पानी के सर्फेस के नीचे, तो प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी, और क्योंकि पानी वर्ड यूज किया, वाटर यूज किया, तो डेंसिटी भी किसकी, एच रो जी में वाटर की, तो प्रेशर भी आ गया। क्या निकालना है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी डेकापॉइस में गिवन है, डेकापॉइस किसके यूनिट है, सीजीएस की, एसआई, एसआई, तो क्या निकालना है, रेट एट विच वाटर इज एस्केपिंग वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो लगा लो, प्रेशर की जगह एच रो जी, आर पता है, ईटा पता है, एल पता है, सॉल्व करके आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, सबसे पहले यूनिट्स को एकदम ध्यान से देखना है कि यूनिट्स क्या गिवन है, उसके बाद अपना आंसर आएगा। आ रहा है आंसर अंकिता? आएगा आएगा, मैं कैलकुलेटर करके आया हूं इस बार, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट, वाटर इज कन्वेड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो रेडियस पता लग गया 4, एंड लेंथ कितनी है, 4 किलोमीटर, तो एल यानी कि 4000 मीटर्स, और वाटर का लीटर पर सेकेंड, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड लीटर पर सेकेंड है, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10^-3, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड पता है। क्या निकालना है आपको, प्रेशर कितना चाहिए, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, पास्कल सेकेंड है, एसआई है, पास्कल सेकेंड तो एसआई होता है, तो लगा लो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड पता है, प्रेशर निकालना है, आर पता है, ईटा पता है, एल पता है, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, सिर्फ बाकी तो फॉर्मूला यूज करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें यूनिट्स की कन्वर्जन, बस वो ध्यान से देखनी है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, एल्कोहल फ्लोज थ्रू टू कैपिलरी ट्यूब्स अंडर अ कॉन्स्टेंट प्रेशर हेड, प्रेशर सेम है, डायमीटर ऑफ द टू ट्यूब्स आर इन द रेशियो,
डायमीटर और रेडियस की रेशियो बराबर है, लेंथ की रेशियो गिवन है बराबर है, कंपेयर्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो पहले फर्स्ट ट्यूब का लगा लो, सेकेंड का लगा लो, आर और एल चेंज कर लो, आर और एल चेंज कर लो, पी मत करना क्योंकि पी कॉन्स्टेंट है, इन्हें डिवाइड कर लो, आपको रेडियस की रेशियो पता है, आपको लेंथ की रेशियो पता है, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे लगेगा ये फॉर्मूला? ठीक हो गया था ये क्वेश्चन कितनों का हो गया था? हो गया था, मैंने शायद क्लास में ऐसा कुछ करवाया भी था, एक नई टेक्निक से करवाना चाहता हूँ और ये बहुत सही टेक्निक है, मतलब आपको यही लगानी चाहिए। देखो क्वेश्चन है, दो कैपलरीज है, रेडियस आर वन और आर टू है, लेंथ एल वन एल टू है और वो सीरीज में कनेक्टेड है, मुझे निकालना है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्यू इसके इक्वल है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड पॉइसनीज फॉर्मूला से ये फॉर्मूला है, तुम प्रेशर को ऊपर रख लो, पाई और आर की पावर फोर को नीचे ले आओ तो ये क्या बनेगा, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज प्रेशर बाय लिक्विड की रेजिस्टेंस। याद करो वॉल्यूम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, लिक्विड करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह प्रेशर डिफरेंस, और इसकी जगह लिक्विड रेजिस्टेंस। तो लिक्विड की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने मार्क करवाया था लास्ट टाइम, ये याद कर लो। अब क्योंकि मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर किया और करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर दो दो वायर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आर वन प्लस आर टू, अब पाइप भी सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आर वन प्लस आर टू, तो टोटल रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू। आपको क्या निकालना है, दोनों ट्यूब्स का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, ओम लॉ लगाओ एक तरीके से, ओम लॉ कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस नहीं, प्रेशर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो प्रेशर डिफरेंस कितना है, पी, क्योंकि वो तो हर पाइप का पी है, तुम एक पाइप लगाओ या दो पाइप लगाओ, P और टोटल रेजिस्टेंस में R1 प्लस R2, कुछ नहीं करो, R1 पुट कर दो, R2 पुट कर दो, वहाँ से फॉर्मूला रेसिप्रोकल लो, माइनस वन, एक सेकंड में आंसर। और ऐसे अगर पैरल कॉम्बिनेशन है तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2, जल्दी आएगा आंसर, रेजिस्टेंस से जल्दी आ रहा है, जबकि वॉल्यूम जो मैंने मेथड करवाया था थोड़ा सा वो लंबा था। तो ये मेथड भी माइंड में रख लो, ये ज़्यादा आसान है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लगाओ काम ही खत्म कर दो। ठीक है यहां तक? वो फॉर्मूला तो लास्ट टाइम किया था ना, और आर वन आर टू में एल वन आर वन एल टू आर टू, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कितने का हो गया, तीन ट्यूब्स हैं, एक लेंथ L, 2L और L बाई टू और सीरीज में कनेक्टेड हैं और एक का रेडियस R, R बाई टू, R बाई थ्री। कह रहे फर्स्ट पाइप का प्रेशर P1 है, प्रेशर डिफरेंस P1 है, बाकी पाइप्स का निकालो क्या है। तो अगर सीरीज में है तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सब में क्या रहेगा, सेम। फर्स्ट ट्यूब का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या है, पाई बाई एट पी वन आर फोर बाई ईटा टाइम्स एल, और सेकेंड का पाई बाई टू पी टू आर बाई टू का रेज टू पावर फोर बाई टू एल, और थर्ड में आर बाई थ्री रेज टू पावर फोर बाई एल बाई टू। बस ये मैथ्स है, इसे कैंसिल करके, मतलब आर फोर आर फोर आर फोर कैंसिल, एल 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 कैंसिल, सीधा ये स्टेप आएगा। तो ये स्टेप आएगा तो पी टू क्या है, टू रेज टू पावर फाइव इंटू पी वन आंसर। पी थ्री क्या है, ये पूरी टर्म यहाँ ले जाओ आंसर, मतलब इसको कंपेयर करके P2 आएगा, इनको कंपेयर करके P3 आएगा इन टर्म्स ऑफ P1। बस कुछ नहीं करना, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड को तीनों में क्या कर देना है, सेम, बस ये। इसके बाद तो P2 को P1 की फॉर्म में, P3 को P1 की फॉर्म में तो निकाल ही सकते हो। कोई डाउट इसमें? ठीक,